नमस्कार, मैं कमलेश सिंह एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से। हम लोग इस सेशन में पॉलिटी के जो चैप्टर है या पॉलिटी राज व्यवस्था है उसको हम लोग प्रारंभ किए हैं और इस राज व्यवस्था में हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में उपराष्ट्रपति के बारे में यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ओके, और हम लोग जो पॉलिटी का क्लास प्रारंभ किए हैं बहुत क्रम से आगे बढ़ रहे हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद पर फोकस करते हुए हम लोग आ रहे हैं। तो आप लोग अवश्य प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा और भारतीय संविधान को एकदम क्रम से आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारा क्लास आप लोगों को कंटिन्यू मिल जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग उपराष्ट्रपति को देख लेते हैं क्योंकि राष्ट्रपति हम लोगों ने देख लिया है और राष्ट्रपति से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको भी हम लोगों ने देखा है। आप लोग क्वेश्चन को अवश्य देखिएगा क्योंकि एग्जाम में उससे बहुत लाभ मिलेंगे। ओके, तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। ओके, और भाग 5 में संघ से संबंधित प्रावधान किया गया है और संघ से संबंधित प्रावधान किया गया है तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाग 5 में पहले राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है, उसको हम लोगों ने देखा है। ओके, और वह भी अनुच्छेद 52 से शुरू होता है, 52 से शुरू होता है, क्या द यूनियन यानी संघ के बारे में प्रावधान यानी भाग 5, तो उसमें राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान था और 52 से लेकर के 62 तक, 52 to 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान था यानी प्रेसिडेंट से संबंधित प्रावधान था। इसके बाद 63 से लेकर के अनुच्छेद 63 से 63 to 71 तक यानी अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किया गया है। ओके, यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किया गया है तो उपराष्ट्रपति जो भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है और पहला सर्वोच्च पद जो है वह राष्ट्रपति का है। ओके, तो उपराष्ट्रपति हमारे देश का यानी भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है और इस पद को एडाप्ट किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो लिया गया है वह US से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से अडाप्ट किया गया है। हालांकि अमेरिका के संविधान में जो उपराष्ट्रपति को पावर दिया गया है वह पावर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन पद जो लिया गया है वह अमेरिका के संविधान से। तो आइए हम लोग देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 63 है और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किया गया और उसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ओके, यानी वाइस प्रेसिडेंट होगा भारत में। तो यह उल्लेख कहाँ किया गया, अनुच्छेद 63 में किया गया, 63 में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद उपराष्ट्रपति के से संबंधित जो निर्वाचन के बारे में जो निर्वाचन पद्धति है उसका उल्लेख अनुच्छेद 66 में किया गया है, आर्टिकल 66 में किया गया है, अनुच्छेद 66 में किया गया है। इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित इनके योग्यताओं के बारे में उल्लेख किया गया है, एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ओके, और एलिजिबिलिटी क्या है, नंबर एक है भारत का नागरिक होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए नंबर एक है भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, शुड बी अ इंडियन सिटीजन। दूसरा जो पॉइंट है 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो। ओके, तो 35 ईयर ओल्ड यानी 35 वर्ष की आयु वह पूरा कर चुका हो। और नंबर तीन है राज्यसभा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यह तीसरा पॉइंट है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता भी रखता हो। ओके, तो संसद द्वारा जो निर्धारित अन्य योग्यताएं हैं उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। ओके, समय समय पर पार्लियामेंट के द्वारा उपराष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो एलिजिबिलिटी योग्यता का निर्धारण किया जाएगा उसे भी फॉलो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता रखता हो। अगर संसद भी कोई
योग्यता का निर्धारण करती है, बनाती है, तो उसे भी पालन करना होगा या उसको अभी फॉलो कर उसे भी फॉलो करना पड़ेगा। ओके, अब इसके अलावा कुछ कॉमन बातें हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाला व्यक्ति अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, यानी पागल मूक इत्यादि नहीं होना चाहिए। ओके, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और इसके बाद किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो यह इनके योग्यता से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति में जो उनके एलिजिबिलिटी योग्यता के बारे में दिया गया है, तो योग्यता से संबंधित ये बातें हैं। और निर्वाचन पद्धति जो दिया गया है अनुच्छेद 66 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किया गया है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा अब क्या है कि जो यह योग्यता है उसका पालन वह करेंगे, उसके बाद फिर निर्वाचन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, उनका चुनाव कैसे होगा। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में दो तरह के पार्लियामेंट में, सेंट्रल पार्लियामेंट में दो तरह के मेंबर होते हैं। एक तो लोकसभा में सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, और दूसरे कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ओके, तो इसमें जबकि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसमें वोट यानी मत देने का अधिकार निर्वाचित मनोनीत सदस्यों को नहीं है, केवल निर्वाचित सदस्यों को ही है। लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव जब होगा, निर्वाचन होगा, तो उसमें क्या होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, यहाँ ध्यान रखना है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उसमें भाग लेंगे, यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य वोटिंग करेंगे। ये बातें इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय निर्वाचक मंडल के 20 सदस्य उसके नाम का प्रस्ताव करेंगे। ओके, करें तथा उतने ही सदस्य उसके नाम का अनुमोदन भी करें, यानी उपराष्ट्रपति के, अब यह भी बातें हैं कि उपराष्ट्रपति जो वही उपराष्ट्रपति बन सकता है जिसके, मतलब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जब होगा तो वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है कि निर्वाचन के समय निर्वाचक मंडल, अब निर्वाचक मंडल के 20 सदस्य, यहाँ पर ध्यान रखना है, 20 सदस्य उसके नाम का प्रस्ताव करेंगे। ओके, करें तथा उतने ही सदस्य यानी 20 सदस्य उसके नाम का अनुमोदन भी करें, यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य वही व्यक्ति होगा जिसके नाम का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के 20 सदस्य करेंगे और उतने ही सदस्य यानी 20 सदस्य उसके नाम का अनुमोदन भी करेंगे। तो यह भी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य वोटिंग करेंगे यानी मत देंगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति जब निर्वाचित हो जाएंगे, चुन लिए जाएंगे, ओके, निर्वाचित हो जाएंगे, तो चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है, यानी उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति निर्वाचित हो गया वह व्यक्ति तब तक अपने ऑफिस में जाकर के कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें शपथ न ग्रहण करा दिया जाए। ओके, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, इसके बाद वह अपने ऑफिस में जाते हैं और कार्यभार ग्रहण करते हैं। ओके, तो यह भी नियम है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति दोबारा भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति एक बार निर्वाचित हो गया है, एक बार उपराष्ट्रपति बन गया है, तो फिर दोबारा भी अगर कार्यकाल 5 वर्ष का जो है वह पूरा हो जाता है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए या पुनः उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए वह योग्य है, वह उसकी एलिजिबिलिटी रहेगी। ऐसा इस तरह का प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में या हमारे देश में, इस तरह का भारत में इस तरह का कानून नहीं बना है कि उपराष्ट्रपति पर जो व्यक्ति एक बार
निर्वाचित हो जाएगा या एक बार जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन जाएगा दोबारा उपराष्ट्रपति पद पर उसका चुनाव या निर्वाचन नहीं हो सकता है या दोबारा उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है, इस तरह का कोई कानून या विधान नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति के पद पर भी उपराष्ट्रपति के पद पर भी व्यक्ति कई बार निर्वाचित हो सकता है, यानी एक व्यक्ति दो बार तीन बार चार बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। ओके, बन सकता है, इस तरह का कोई विधान नहीं है कि केवल एक बार ही रहेगा, दो बार ही रहेगा। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होगा व्यक्ति, तो उसे सैलरी कितनी मिलेगी यानी वेतन कितना दिया जाएगा, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते। उपराष्ट्रपति को प्रतिमाह 4 लाख रुपए, ध्यान रखना है, 4 लाख रुपए उसे प्रतिमाह वेतन मिलता है, या उपराष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति निर्वाचित हो जाएगा उसे 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन वह पाएगा या मिलेगा। ओके, इसके अलावा उसे निःशुल्क आवास, उपलब्ध होगा, उसे निःशुल्क आवास उपलब्ध होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। ओके, आने जाने के लिए निःशुल्क उसे वाहन उपलब्ध होंगे और हवाई जहाज या एरोप्लेन इत्यादि भी उनके लिए आने जाने के लिए निःशुल्क रहेंगे, सारी सुविधाएं, यानी कहने का तात्पर्य है कि उन्हें सारी सुविधाएं निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया है बातें, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये बात ये भी है कि उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के अंदर स्वयं त्याग पत्र भी दे सकता है अथवा उसे भी संवैधानिक दायरे में रखते हुए अगर वह किसी प्रकार का अपने पद पर रहते हुए गैर कानूनी या कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनको भी उनके पद से कानूनी रूप से हटाने का भी प्रावधान संविधान में किया गया है। ओके, तो उसको भी देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि उपराष्ट्रपति कभी भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को, ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। तो उपराष्ट्रपति इस 5 वर्ष के कार्यकाल में अगर कभी भी वह अपने पद को छोड़ना चाहे तो वह त्याग पत्र दे सकते हैं, किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ओके, और देने का प्रोसेस है, अस्वस्थ हो गए, ओके, कार्य करने में अक्षम हो गए, तो इस तरह के परिस्थितियों में, कंडीशन में वह त्याग पत्र देना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे देंगे, किसे देंगे, राष्ट्रपति को। इसके अलावा भी एक कंडीशन और है, तो दो तरीके से वह बीच में 5 वर्ष के अंदर भी उनको पद से हटाया जा सकता है। एक तो वह स्वयं से इस्तीफा दे दे, किन्हीं कारणों बस कार्य करने में अक्षम होने पर वह इस्तीफा दे सकते हैं राष्ट्रपति को। दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन यह है कि राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव द्वारा भी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी राज्यसभा का वह सभापति होता है, इसलिए राज्यसभा में बहुमत से, ध्यान रखना है, राज्यसभा के बहुमत से ही उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा उसका अनुमोदन करेगी, ध्यान रखना है, यानी विशेष बहुमत से, 2/3 बहुमत से राज्यसभा द्वारा अगर पारित कर दिया जाता है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव लाया गया है और लोकसभा उसका अनुमोदन कर देता है तो उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष के अंदर अपने पद से हटना पड़ेगा, उनको हटाया जा सकता है। ओके, तो उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भी दो तरीके से उन्हें पद से हटाया जा सकता है, एक तो वह स्वयं त्याग पत्र दे दें, दूसरा राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा अनुमोदित कर दे, लोकसभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव द्वारा भी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यह दो कंडीशन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक चीज और है कि अगर राज्यसभा में उपराष्ट्रपति से संबंधित, राज्यसभा में उनको पद से हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव लाया गया है तो उस प्रस्ताव को लाने के 14 दिन पूर्व क्या किया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा किसको, उपराष्ट्रपति को।
उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पूर्व दी जाएगी, यह भी कंडीशन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यह जो नियम है इसका पालन करना पड़ेगा, 14 दिन पूर्व सूचना उपराष्ट्रपति को देना आवश्यक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति के कार्य देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के कार्यों में क्या है, पहला इंपॉर्टेंट कार्य, उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, ये बातें सही। इसके बाद उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ओके, इसके बाद उपराष्ट्रपति का जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क है, कार्य है, कि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त हो जाने पर, ओके, आप ऐसे कह लीजिए कि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त हो गया, जैसे राष्ट्रपति अस्वस्थ हो गए, या राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति है उनकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु, ओके, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति का जो पद रिक्त हो जाएगा तो उस राष्ट्रपति पद पर कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति ऐसे परिस्थितियों में राष्ट्रपति का के पद को क्या करेंगे, धारण करेंगे, और वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कार्य करेंगे, और इनके द्वारा उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वह वैधानिक रूप से मान्य होगा। ओके, यह भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि उपराष्ट्रपति अगर जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तो उसके द्वारा किए गए कार्य वैधानिक माने जाएंगे कि नहीं, तो वैधानिक माने जाएंगे, वह लीगल होगा, क्योंकि कानूनी रूप से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर पद को ग्रहण कर रहा है, यानी धारण कर रहा है, क्योंकि सडनली अचानक उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया। ओके, अब यहां पर तो इस पॉइंट को देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ऊपर का भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा व्यक्ति उस सदन का की अध्यक्षता करता है या सभापति होता है, ओके, प्रमुख होता है, जो उस सदन का सदस्य ही नहीं होता है, बिना सदस्य हुए ही उस सदन की अध्यक्षता करता है, तो वह है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा के सदन का अध्यक्ष होता है, मुखिया होता है, कार्यवाही को संचालित कराता है, ओके, आहूत करता है सदन को, और उसे जो है कि आहूत करने का अधिकार भी इसे है, उसे समाप्त करने का अधिकार भी इसे है, लेकिन यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो दो ही इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, एक तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, दूसरा राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में केवल 6 माह तक ही कार्य करेगा। ओके, यह भी इंपॉर्टेंट है कि 6 मंथ तक ही जो उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति के पद पर क्या करेगा, कार्य करेगा। ओके, 6 मंथ तक ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि जब कभी भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, खाली होगा, तो विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा करके नए राष्ट्रपति की नियुक्ति कर दी जाएगी, यह हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। ओके, तो यह बात ध्यान रखना है। इस प्रकार हम लोग राष्ट्रपति को भी देखे और फिर हम लोग उपराष्ट्रपति को भी देख लिए। उपराष्ट्रपति का मुख्यतः 2 ही कार्य है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कभी भी राष्ट्रपति का पद अगर सडनली मतलब कि आकस्मिक रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो 6 माह तक ही वह कार्य करता है, और 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। ये प्रोसेस है, ये कानून है हमारा। ओके, यानी संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में केवल 6 माह तक ही कार्य करता है या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पर एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जब उपराष्ट्रपति
छह माह तक अगर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य मान्य होगा और वह इस दौरान जिस दौरान वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है उपराष्ट्रपति, इस दौरान वह राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी जो वेतन है वह उसे मिलेगा यानी वह दिया जाएगा, जो राष्ट्रपति की सुविधाएं हैं वह दिया जाएगा। ओके, उस कार्यकाल के दौरान वह उपराष्ट्रपति की जो सुविधाएं हैं उसको धारण नहीं करेगा या उसको ग्रहण नहीं करेगा, वह राष्ट्रपति का कार्य राष्ट्रपति पद पर कार्य करते हुए राष्ट्रपति से संबंधित जो भी वेतन भत्ते और सुविधाएं हैं उसको वह अधिकारी होगा या उसका पात्र होगा। तो यह था उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा, टू दी पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। फिर इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं। ओके।